एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फांग श्याओची को गुडबाय कह रहा था। वो श्याओची को किस करके रोता है और उसे सॉरी कहता है उसे उसके प्लेनेट पे वापस भेजने के लिए, और कहता है कि मेरे लिए तुम्हारा प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भले हम साथ में रहें या ना रहें, पर तुम खुश रहो और सेफ रहो, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है और उसे कहता है कि जब श्याओची को पता चलेगा कि तुमने उसे यहाँ से भेज दिया तो उसे कैसा लगेगा और तुम उसके बिना कैसे रहोगे। तो फांग कहता है कि मेरे लिए मुझसे ज्यादा श्याओची की खुशी इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि जब वो यहाँ से चली जाएगी तो वो मुझे हेट करेगी यहाँ से भेजने के लिए, लेकिन वो जिंदा तो रहेगी। भले वो मुझसे दूर रहे, पर मैं ये चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे और हमेशा सेफ रहे, और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जियांग कहता है कि तुम अर्थ के लोग भी बहुत ही वियर्ड होते हो, अपने इमोशंस को लेके कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो। कभी तो तुम्हें प्यार चाहिए होता है और अपने पार्टनर्स को इतना इजीली छोड़ भी देते हो। तो फांग कहता है कि प्यार ऐसा ही होता है, वो जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है उतना ही सिंपल भी होता है। हम अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनकी खुशी हमें हमारी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। भले वो हमसे दूर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो खुश रहे ये फर्क पड़ता है। और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम श्याओची को लेकर इतना प्रोटेक्टेड सिर्फ इसलिए हो क्योंकि वो तुम्हारा जेनेटिक मैच है या तुम उसके सीनियर हो, तो ये गलत बात है। तुम्हारे मन में भी श्याओची के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीलिंग्स जरूर है। भले तुम्हें उसके बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें जरूर पता चलेगा। जियांग ऐसी बात सुनके कंफ्यूज होता है और उसे कहता है कि अब तुम जल्दी ही श्याओची को गुड बाय कह दो, स्पेसशिप कभी भी आ सकती है, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फांग श्याओची के पास उसका सारा ही फेवरेट फूड रख देता है और उसे कहता है कि रास्ते में तुम ये सब कुछ खाना और तुम्हारी फेवरेट मिल्क टी भी आ रही है। तभी डोरबेल रिंग होती है। फांग जल्दी से श्याओची की फेवरेट मिल्क टी लेने जाता ही है कि तभी अचानक से टाइम स्टॉप हो जाता है, जिससे फांग समझ जाता है कि क्या हुआ। वो जल्दी से भाग के श्याओची के रूम में आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे उसकी प्यारी श्याओची अब नहीं है, जिसे देखकर वो फूट फूट के रोने लगता है। फांग की प्यारी श्याओची अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, और इतना दुख फांग बेचारा सहन कर रहा है और बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्पेसशिप में श्याओची को होश आता है और वो ये सब कुछ देख के कन्फ्यूज होती है। तभी उसे जियांग दिखाई देता है। श्याओची कहती है कि मुझे वापस अर्थ पे जाना है, लेकिन जियांग कहता है कि अब तुम वहाँ नहीं जा सकती हो क्योंकि हमारा जो सेकंड वाला पोर्शन था वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, इसीलिए तुम अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगी और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। श्याओची कहती है कि मेरी और फांग की एंगेजमेंट हुई है, हमारी शादी होने वाली है, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन जियांग कहता है कि वह एंगेजमेंट फांग का तुम्हारे लिए फेयरवेल गिफ्ट था, और वो कहता है कि अब तुम वापस नहीं जा सकती हो और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। श्याओची लेकिन नहीं मान रही थी और वो जाना चाहती थी, जिससे जियांग प्रोटेक्शन ग्लास लगा के वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो जा रहा था तो श्याओची उसका पासवर्ड याद कर लेती है और उसके जाने के बाद पासवर्ड लगाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सेंसर्स उसे पकड़ लेते हैं, जिससे उसे वापस से अपने में जाना पड़ता है। लेकिन वो हार नहीं मानती है, वो फिर से ट्राई करती है लेकिन वो फिर से पकड़ी जाती है। फिर भी वो अभी हार नहीं मानती, वो दो तीन बार ट्राई करती है लेकिन बेचारी श्याओची बार बार पकड़ी जाती है, जिससे जियांग उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना ही पड़ेगा। और उसे फांग का दिया हुआ एक बॉक्स देता है और उसके आस पास प्रोटेक्शन ग्लास लगा के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद श्याओची बॉक्स ओपन करती है, उसमें फांग का दिया हुआ लेटर था। फांग ने वो लेटर उस टाइम लिखा था जब वो श्याओची को प्रपोज करने वाला था। फांग कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सबसे पहले तो मैं तुम्हें माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें वापस से केप टाउन भेज दिया लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल नहीं था। मेरे लिए भी तुम्हारे बिना रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन लाइफ में तुम ही थी, और तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता नहीं कि मैं कैसे रहूंगा। अगर मुझे पता होता कि हमारे पास एक दूसरे के लिए इतना कम टाइम है तो मैं हमेशा तुम्हें एक अच्छी स्माइल के साथ मिलता। जब भी तुम मुझे अप्रोच करने आती थी या मेरे लिए कुछ करती थी तो मेरा मन हमेशा खुश हो जाता था, लेकिन मैं मेरे इमोशंस तुम्हें कभी नहीं दिखाता था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी जल्दी चली जाओगी तो मैं हमेशा तुम्हें एक स्माइल के साथ वेलकम करता। मैं मेरी लाइफ में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये फेयरवेल प्रपोजल दे रहा हूँ और इतना अच्छा प्रपोजल देकर तुम्हें बाय कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि हम दोनों अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करें, पर अब तो ये पॉसिबल नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो वहाँ खुश रहो। मैं तुम्हारी सारी ही चीजें हमेशा संभाल के रखूंगा, इवन जिस बेड पर तुम सोई थी उस पर तुम्हारी पिंक कलर की ब्लैंकेट भी लगा के रखूंगा, कभी नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी चीजें कितनी ज्यादा प्यारी हैं। फिर वो श्याओची को वही पोलर
सुंदर नेकलेस देता है और कहता है कि भले हम साथ न रहे लेकिन ये नेकलेस तुम पहनना। मुझे पता है कि तुम अपने प्लेनेट पे जाओगी तो तुम्हारी सारी मेमोरीज मिटा दी जाएंगी, लेकिन तुम अगर इसे पहनोगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि तुम हमेशा मेरा पोलर स्टार रहोगी। और शाओची जल्दी से वो नेकलेस पहन लेती है और फिर वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे पता था कि अब वो फांग से कभी भी नहीं मिल पाएगी। जब शाओची इतना जोर जोर से रो रही थी तो वो प्रोटेक्शन ग्लास टूट जाता है और बाहर जियांग खड़ा खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था और वो शाओची को इतना जोर से रोता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और उसके चेस्ट में पेन भी होने लगता है। तभी उसे खुद की शाओची के बचपन की सारी ही मेमोरीज याद आती हैं कि शाओची उसे कभी भी अपसेट नहीं होने देती थी और उसकी वजह से शाओची आज इतनी ज्यादा अपसेट है। फिर वो जल्दी से अपने कैबिन में जाता है जहाँ पे कैंडी उसे कहती है कि शाओची का प्रोटेक्शन ग्लास टूट गया है, क्या मैं दूसरा लगा दूं? लेकिन जियांग कैंडी की भी बात नहीं सुन रहा था, वो तो बस बैठकर अपनी शाओची को ही देख रहा था। गाइज, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप में से कई लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब। नेक्स्ट सीन में हम फांग को देखते हैं जो शाओची के रूम में था और उसका सारा ही सामान देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था और उसे याद कर रहा था। तभी लियन जुबू उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि उसे कुछ चाहिए, लेकिन फांग मना कर देता है तो वो कहते हैं कि हम आपका बाहर ही वेट कर रहे हैं। फिर दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पर जुबू भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। वो कहती है कि मैं तो सिर्फ उसकी AI थी, फिर भी मैं शाओची को बाय नहीं कह पाई और मैं हमेशा शाओची को मिस करूंगी, मुझे हमेशा शाओची की बहुत याद आएगी। तो ली उसे कहता है कि तुम अपसेट मत हो, हमने जो भी किया वो शाओची के ही वेलफेयर के लिए किया है क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहती तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती और हमारे लिए उसका सर्वाइवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर वो उसे कंसोल करता है। अंदर जब फांग शाओची की चीजें देख रहा था तो तभी उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसमें शाओची ने लिखा था कि फांग की स्मेल कितनी ही अच्छी है, ये पढ़कर वो हंसता है। फिर उसमें लिखा था कि मुझे फांग से कभी भी झूठ बोलने का मन नहीं होता था लेकिन मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, इसलिए मुझे ये नहीं पता था कि फांग कितना अच्छा इंसान है। फिर उसमें उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि शाय ने मुझे बताया है कि तीन टाइप के लव होते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन होता है वन साइडेड लव, फिर होता है सबसे रेयरेस्ट जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और एक होता है लव ट्राइंगल जिसमें बहुत ही ड्रामा होता है, लेकिन मेरे और फांग का लव तो म्यूचुअल लव है इसीलिए वो बहुत ही रेयरेस्ट है और मैं कभी भी फांग के बिना नहीं रहना चाहती हूँ। इवन मैंने तो फांग को प्रॉमिस भी किया है कि मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और हमेशा उसके साथ ही रहूंगी। और मिस साय ने मुझे ये भी बताया है कि अर्थ पर जो कपल साथ में रहते हैं वो एक दूसरे को एक रिंग पहनाते हैं, इसीलिए उसने फांग के लिए एक रिंग की डिजाइन भी करी थी और उसमें लिखा था कि मेरे पास अभी ये पैसे नहीं है लेकिन मैं पैसे जमा करके फांग के लिए यही रिंग बनाऊंगी, फांग को बहुत ही पसंद आएगी। शाओची के ये सब कुछ लेटर पढ़कर फांग जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी प्यारी शाओची उसे छोड़कर चली गई है। यहाँ पर हमारी शाओची स्पेसशिप से निकलने की सारी ही कोशिशें कर रही थी, तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और उसे कहता है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो लेकिन यहाँ से नहीं जा सकती हो। लेकिन जियांग के जाने के बाद वो देखती है कि सारे ही सिक्योरिटी लॉक्स खुल चुके हैं, वो जल्दी से वहाँ से भागने का ट्राई करती है, इवन कैमरास भी उसे देख के गिर जा रहे थे। वो जल्दी से भाग के लाइफ बोट में चली जाती है। जब वो लाइफ बोट में पहुँचती है तो कैंडी जियांग को बताती है कि शाओची भाग रही है, क्या मैं रिपोर्ट करूँ? लेकिन जियांग कैंडी से कहता है कि तुम बहुत ही थक गई हो इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, तो तुम शट डाउन हो जाओ, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि जियांग शाओची की हेल्प कर रहा है। जब शाओची लाइफ बोट लेके चली जाती है तो जियांग उसे जाते हुए देखता है। लाइफ बोट में जाके हमारी शाओची बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जब वो बैठने वाली थी तभी उसे एक बॉक्स मिलता है, जब वो ओपन करती है तो उसमें पोशन था, इन्हें कैंडी थी और साथ ही उसे जियांग के एक वीडियो टेप भी मिलती है जिसमें जियांग ने कहा था कि फांग का जो सेकंड पोशन बनाया हुआ था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन मैंने उसे झूठ बोला कि वो फेल रहा क्योंकि मैं तुम्हें वापस से अपने प्लेनेट पे लाना चाहता था, लेकिन जब फांग तुम्हें बाय बोल रहा था तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि इतना इमोशनल मैंने किसी भी पर्सन को मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा, लेकिन जब तुम यहाँ आई और तुम फांग के लिए रो रही थी तब मैं समझ गया कि जो भी मैंने किया वो गलत है, और मुझे ये भी चीज समझ में आ गई है कि फांग ने जब मुझे ये कहा था कि मेरे मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं वो भी बात सही थी, लेकिन फांग ने मुझे ये भी बताया कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उस पर्सन की खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ और तुम हमेशा अपना ख्याल रखना और याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारा फ्रेंड रहूंगा, और उसे बाय कहता है। शाओची बहुत ही ज्यादा खुश होती है।
यहाँ पर रियांग हमारा लेकिन थोड़ा अपसेट होता है, और सच कहूँ तो मुझे भी रियांग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। श्याओजी लेकिन स्पेसशिप में थी और बहुत ही खुश थी कि फाइनली वो अपने फांग से मिलने वाली है, और तभी वो गुस्सा भी करती है कि फांग उसे अपने से इतना दूर भला कैसे कर सकता है, और सोचती है कि यहाँ से जाते ही मैं फांग को अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेकिन अचानक से उसकी लाइफ बोट शेक करने लगती है जिससे वो बहुत ही घबराने लगती है कि कहीं वो फिर से कहीं गलत टाइमलाइन में ना चली जाए। वो लाइफ बोट को ठीक करने का ट्राई करती है लेकिन वो बहुत ही तेजी से शेक करने लगती है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।